सीबीएसई रिजल्ट के बाद मार्क्स वेरिफिकेशन का और फोटोकॉपी री इवेल्युएशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। उसकी डिटेल्स आज प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब उसकी डेट्स क्या हैं, किस डेट में क्या होना है, उसके लिए पहले से वीडियो बना दिया गया है जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको कैसे करना है, पोर्टल पर कैसे पहुँचना है, इसके लिए भी एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब इस पेज में आपको लेफ्ट साइड में देखिए पाँच ऑप्शन दिख रहे हैं, अप्लाई फॉर वेरीफिकेशन ऑफ क्लास 12th, अप्लाई फॉर वेरीफिकेशन ऑफ क्लास 10th, फी पेमेंट, चेक फी स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस। अब आपको 12th का करना है, 10th का जो भी करना है आप उस पर जाइए। जैसे मैं क्लास 12th का करना चाहता हूँ तो मैंने अप्लाई पर किया, अब वो कह रहा है कि आप उसमें रोल नंबर डाल दीजिए, तो आप अपना रोल नंबर डालेंगे। फिर सेकेंड है 5-डिजिट स्कूल नंबर, ये स्कूल नंबर आपके एप्लीकेशन जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर लिखा रहेगा, स्कूल नंबर वो यहाँ पर डाल देंगे। और बाद में है एंटर सेंटर नंबर, ये भी आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखा रहेगा। तीनों चीज़ें डालकर आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। जब आप ये डिटेल क्लिक करके अंदर जाएंगे प्रोसीड करेंगे तो आपको एक अंदर फॉर्म मिलेगा जहाँ पर आपका नाम, मदर फादर के नाम सब कुछ होगा और सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होंगे जिनके सामने चेकबॉक्स लगे होंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अपना मार्क्स वेरिफिकेशन अप्लाई करना चाहते हैं उस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, पिन नंबर, मोबाइल ईमेल एड्रेस वगैरह डालकर सबमिट अप्लीकेशन करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए नीचे लिखा है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क विल ओनली बी एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक। अगर आपको फोटोकॉपी वाला सेकंड स्टेप करना है तो पहले वाले के लिए अप्लाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर कॉपी के लिए सेकंड स्टेप में अप्लाई कर दें, तब नहीं चलेगा। ऐसा करने के बाद सबमिट अप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास में एक फुल संभाल के रखना है। उसके बाद क्या होगा, फिर से आपको होम पर जाना है और फिर जाना है फी पेमेंट पर। फी पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका वो एप्लीकेशन नंबर जो भी जनरेट हुआ वो मांगेगा और उसके बाद आपका रोल नंबर मांगेगा। दोनों चीज़ डालकर प्रोसीड करेंगे तो पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। जितने सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए होंगे उसके हिसाब से पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ का आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देंगे उसके बाद क्या होगा, फिर से वापस होम पर आएंगे और चेक फी स्टेटस पे जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन जो है वहाँ पर फिर से आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर चेक करेंगे। उसमें क्या होगा वो बता देगा भाई फ़ी पेमेंट हो गया है कि नहीं हो गया। फ़ी पेमेंट होने के बाद अब आपकी एप्लीकेशन जमा हो चुकी है, अब क्या होगा, सबसे लास्ट है एप्लीकेशन स्टेटस वेरिफिकेशन के लिए कि भाई साहब कितने मार्क्स कुछ बढ़े हैं घटे। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा, आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, रोल नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स में कुछ बढ़े हैं घटे हैं या सेम रहे हैं, जो भी रिजल्ट रहा है। इसको 2-3 दिन तक लगातार डेली चेक करते रहिए क्योंकि अपने आप ही उसमें वो अपडेट होकर आ जाएगा और उसके बाद ही आप सेकेंड स्टेप पर जा पाएंगे। जब सेकेंड स्टेप ओपन हो जाएगा तब हम आपको फिर से बता देंगे। अब अगर आप अपना एप्लीकेशन बाय चांस भूल जाते हैं, ऐसा करना नहीं है, तो आप फॉरगेट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर क्लास और पूरी डिटेल सेलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो वो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको बता देगा। इसके बारे में और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।